tatha antara jyoti evaya te yogi brahma nirvanam brahma bhuto digachyat yati labhante brahma nirvanam mishya chirna kalmasa chinnadvaidha yatatmana sarvabhuti terata tritiya काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत्चेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां three shloka and you will find in each sayogi ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषियक्षिण कर्मसा एंड अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विद्यात्मनम् एंड ब्रह्म निर्वाण इज द एम ऑफ आवर लाइफ एंड लॉर्ड स्टेटेड इन दीज श्लोकास दैट ओनली दैट योगी कैन अचीव ब्रह्म निर्वाण realized and engrossed in the welfare of all beings and become free from lust and anger. And those who removes all stains from his mind, heart and intellect and those who control his antakarana and bahyakarana, inner senses and internal senses and external senses, become apt to achieve brahma nirvana. Very great principle. And very concise form we are reading in these shlokas. Now I will describe sequentially, you can understand it. Yo anta sukho antararama tatha antar jyoti evaya Sayogi Brahma Nirvanam Brahma Bhuto Digachyati is first yogi. Realized soul. Atmadarshi. Jisne Atma Sakshatkar kar liya hai. Jo शरीर इंद्रियां मन अहम बुद्धि इन सबसे परे आत्मा में स्वयं को प्रतिष्ठित कर दिया है जिसके आनंद का सुख का जिसके शांति का विश्राम का आश्रय अन्य नहीं केवल अपना आप है जिसका सुख दूसरे पर अवलंबित नहीं है जिसकी शांति दूसरे के अधीन नहीं है जिसकी तृप्ति पद और पदार्थ से नहीं होती जो स्वयं में तृप्त है जो स्वयं में शांत है जो स्वयं में निरत है स्वयं में प्रतिष्ठित है ऐसा योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त करके
ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। बात कठिन है, हम सबका सुख अपने में है या दूसरे में देखना है, हमारी शांति हमारा विश्राम अपने में है या दूसरे में देखना है, कितनी मात्रा में हम स्वयं में सुखी होते हैं, स्वयं से सुखी होते हैं, और कितनी मात्रा में हमारा सुख दूसरे पर अवलंबित है, ये चिंतन का विषय है, साधन का विषय है। ये पांचवा अध्याय जो है ये साधन का अध्याय है, पांचवा और छठा ये दोनों ही श्रेष्ठतम साधन के अध्याय है, क्योंकि पांचवे में कर्म संन्यास है और छठे में आत्म संयम। इसका नाम कर्म संन्यास योग है और छठे अध्याय का नाम आत्म संयम योग है। बिना कर्म संन्यास के आत्म संयम होता नहीं, इसलिए इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। और आत्म संयम का बीज जो है वो प्रभु ने इसी पांचवें अध्याय के आखिर के दो श्लोकों में डाल दिया है, और उस विषय में छठे अध्याय में विशेष जानकारी प्रदान की है, विशेष साधन प्रदान किया है। तो अंतः सुख और अंतर में विश्राम और अंतर ज्योति के प्रकाश में स्वयं को हमेशा शांत सुखी और संतुष्ट देख, ये साधना का श्रेष्ठतम स्वरूप है। ऐसा यदि कोई योगी है तो ब्रह्म भूतो अधिगच्छति ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है और वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। लेकिन संसारी लोगों का सुख तो दूसरे पर अवलंबित है। कार्ल मार्क्स ने जहां पर अपने विचार दिए हैं समाज की व्यवस्था में, तो उन्होंने कहा कि हमें दूसरे को सुख क्यों पहुंचाना है। वो कहता है इसलिए कि दूसरे यदि दुखी रहेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा, दूसरे हमारे सुख में हेतु है, इसलिए उनको संतुष्ट रखना है। जैसे स्त्री दुखी है तो पुरुष को सुख नहीं दे सकती, इसी प्रकार से जिस जिस से आपको सुख मिलता है यदि वो स्वयं दुखी है तो आपको सुख नहीं देगा, और आपका सुख उसी पर अवलंबित है। तो जिस पर आपका सुख अवलंबित है उसको आप सुखी बनाए रखिए, अन्यथा आपको सुख नहीं मिलेगा, ये उसका सिद्धांत है। और इसी बेस पर उसने समाज रचना का सूत्र दिया है। भारतीय अध्यात्म कहता है कि नहीं, जब तक तुम्हारा सुख दूसरे पर अवलंबित है तब तक तुम सुखी नहीं हो सकते, सुखाभास मिल सकता है, सुख का आभास हो सकता है, सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सुख जो है वह बाह्य पदार्थों से बाह्य व्यक्तियों से बाह्य साधनों से केवल क्षणिक रूप में प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो नित्य सुख नहीं हो सकता। और तो
तुम्हें मांग नित्य सुख की है, क्षणिक सुख की नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि यो अंतः सुख, जो अपने अंतर से सुखी है, बाह्य साधन जिसे सुख नहीं देते, आत्मा में ही जो तृप्त है, बाह्य साधन जिसे तृप्ति नहीं देते, अपने आप में ही विश्राम कर रहा है, बाह्य साधन जिसे विश्राम नहीं देते, और जो आत्मा के प्रकाश में ही प्रसन्न है, बाह्य साधन जिसकी प्रसन्नता के साधन नहीं है, ऐसा योगी सयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत होते हैं। ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण और ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। ये सारी बातें चिंतन की है, देखने की। दूसरे पर यदि तुम्हारा सुख अवलंबित है, ये तो दूसरे की रुचि पर निर्भर है ना, कि तुम्हें सुख दे कि ना दे। तुम स्वतंत्र तो नहीं हो सुख भोगने में। यदि तुमसे उसे भी सुख मिलेगा तब तुम्हें सुख देने की चाह रखेगा, अन्यथा नहीं रखेगा। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हमें मिलती है जहां पर सुख की चाह के बदले में दुख मिला है। कहानी है इतिहास की घटना, परशुराम भगवान के अवतार स्वीकार किए जाते हैं। परशुराम की मां का नाम था रेणुका और उनके पिता का नाम था जमदग्नि। सायंकाल का समय था, रेणुका जहां रहती थी एक बहुत बड़ी झील थी, वहां झील वो संयोग देख लिए झील के किनारे चली गई, बैठ गई, वहां देखा मछलियां इकट्ठा होकर के उसके सामने नाचती कूदती थी। उसमें दो मछलियों को उसने यानी प्रेम करते देख लिया, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, और उनको देख करके उसके दिमाग में उसकी कामना जागृत हो गई और वो वहां से उठी, चली आई अपने पति के पास। जमदग्नि उस समय सायंकाल का समय था, संध्या करने जा रहे थे, उसने आकर उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा, देवी क्या बात है? उसने अपनी कामना व्यक्त की। उन्होंने कहा, अरे दुष्टे, ये सायंकाल का समय है, भगवान की आराधना का समय है, अभिषेक का। देखिए परिणाम क्या होता है जानते हो? जब जमदग्नि तुरंत अपने पुत्रों को बुलाते हैं, इस दुष्टा ने इस समय वासना व्यक्त की है, इसे इसका वध कर। एक पुत्र से कहा, उसने कहा कि ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मां का वध मेरे से नहीं होगा। दूसरे को बुला, तो इसका वध कर दो, कहा मेरे से भी नहीं होने का। सबसे छोटा पुत्र तीसरा परशुराम बुलाया, प्रणाम किया, पितृदेव आ गया, कहा ये तुम्हारे दोनों भाई मेरी आज्ञा का उल्लंघन किए और ये तुम्हारी मां जो है ये कुसमय में मेरे से वासना के लिए याचना की है, इसलिए तीनों का वध कर दो। उन्होंने फोड़ा उठाया, तीनों को खटखट खत्म कर दी। जब तीनों को मार दिया तो पिता बड़े प्रसन्न हुए कि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो मेरे से। परशुराम ने कहा कि भगवत, आप यदि मेरे पर प्रसन्न हैं, मुझे आप वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे ये वरदान दे दिए कि मेरे दोनों भाई और मेरी मां तीनों जीवित हो जाएं और इनको ये बोध भी न हो कि मैंने इनका वध किया। जमदग्नि सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा उनको जीवित कर दिया, जीवन दान दे दिया। फिर
परशुराम को अपनी पिता की शक्ति का बोध था। वो जानते थे यदि मैं मार दूंगा तो इनमें जलाने की शक्ति जला भी देंगे। अब आज कोई बाप है मार दो लड़का मार दे, बाप है बेटा मैं तुम पर खुश हूं, वो कहती इसको जिला दो तो बाप कहां जिलाएगा। ये तो नहीं होने का। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये परशुराम के जीवन की घटना है। तुलसीदास जी ने लिखा है, परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मात लोक सब साखी। अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए माता का वध कर दिया था। तो मैं आपको केवल यह बता रहा था, कभी कभी संसार में जिनसे हमें सुख की याचना होती है, यदि उनको सुख की चाह है फिर तो कोऑपरेट करते हैं, और यदि सुख की चाह नहीं तो उसके बदले में दुर्गति भी हो जाती है। ऐसी अनेकों घटनाएं आपको मिलेंगी इतिहास में। बच्चे के हृदय में यदि मां से कुछ लेने की चाह है तो मां के इशारे पर बच्चा दौड़ कर आएगा, उसके सीने से लग जाएगा। मां को वात्सल्य उमड़ा है, बच्चे को हृदय से लगाना चाहती है, लेकिन बच्चा अपने मित्रों के साथ खेलने में रत है, मां बुला रही वो भग जाएगा, उसको कोई चिंता नहीं मां। यही स्थिति होती है बच्चे के लिए मां की। बच्चा तड़पता है मां के हृदय से लगने के लिए, शांति के लिए, मां बिजी है, वो कहती चल चल मेरे पास समय नहीं है। तो जब तक दोनों को चाह ना हो तब तक परस्पर में सुख की उपलब्धि नहीं हो पाती। तो जब हमारा सुख दूसरे पर अवलंबित होगा तो तभी तक हमें वो सुख मिल सकेगा जबकि उसको भी हमसे सुख की आवश्यकता होगी तब। और यदि उसको हमसे सुख की आवश्यकता नहीं है, हमें ही उससे सुख की डिमांड है, तो क्या होगा? फिर हम रोते ही रह जाएंगे और सुख नहीं मिलेगा। ये सारी दुनिया की नग्न कथा है, नग्न कथा बिल्कुल। अब इस स्थिति में सुख को नित्य रूप से कैसे कहा जाए, और सुख सभी चाहते हैं, दुख तो किसी को चाहिए नहीं, तो नित्य सुख की उपलब्धि कैसे होगी? कायो अंतः सुख, जिसको अपने आप से सुख मिल रहा है, आत्मा आनंद में जो निमग्न है। ये कल्पना की बात नहीं है, यथार्थ बात है। कुछ लोग कहते हैं तो साइकोलॉजिकल बात है। अरे भले आदमी सारी साइकोलॉजी की बात है, साइकोलॉजी माने क्या है? ये तो मनोविज्ञान, और मन का ही विज्ञान सारा, और किसका विज्ञान है? ये भी मन का विज्ञान है। जो तुम संसार से सुख चाहते हो किसका विज्ञान है? मन का ही है। यदि मन तुम्हारे इंद्रियों के साथ न रहे तुम्हें सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर मन का ही तो विज्ञान है। तो संसार में जो सुख है यह भी मन का विज्ञान है। और जैसे तुम संसार को माध्यम बनाकर सुख लेना चाहते हो, ऐसे तुम अपने को माध्यम बनाकर क्यों नहीं सुख लेते? एक बहुत सुंदर दृष्टांत है शास्त्रों में, आप लोगों ने सुना होगा। पहले विचार में बता हूं, कुत्ता हड्डी को चबाता है, हड्डी में खून नहीं है, हड्डी को चबाते हुए उसके तालू से तालू फट जाता है और तालू से खून निकलने लगता है, और वो तालू का खून बह करके उसके जिह्वा पर आता है और उसे खून का स्वाद मिलता है। और वो ये सोचता है कि ये खून इस हड्डी से आ रहा है, हालांकि खून हड्डी से नहीं आता, खून कहां से आता है? अपने तालू से। तो अपने ही खून को चाट करके तुलसीदास लिखते हैं, निज तालू गत रुधिर पान कर मन संतोष धर्यो। अपने ही तालू से निकले हुए खून को चाट करके वो मन में संतुष्ट होता है, वाह बड़ा आनंद आ रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये कुत्ते की कहानी नहीं, हम सब की यही कहानी है। जितने जीव हैं ऐसे समझ लो सबकी यही कहानी है। आप देखिए दुनिया में जिस सुख को आप सबसे बड़ा, हमारे यहां दो सुखों की समता की गई शास्त्रों में, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद, अच्छा विषयानंद का जो सुख है
वो कहां है जरा कल्पना करो तो। अपने शरीर के तेज को नष्ट करके, है ना, शरीर के तेज को नष्ट करके हम सुखी होते हैं विषयानंद, जैसे कुत्ता अपने तालू के रक्त को चाट कर सुखी होता है, ऐसे ही हर एक व्यक्ति विषयानंद की स्थिति में, विषय सेवन की स्थिति में अपने शक्ति का चरण करके सुखी होता है, अपने शक्ति को नाश करके सुखी होता है। ये सब की कहानी है, कोई एक कुत्ते की कहानी ही नहीं। हर एक जगह जहां भी आपको सुख मिलता है, आप भोजन कर रहे हैं, भोजन में आपको स्वाद मिल रहा है, वहां स्वाद किसका है, भोजन का है या भूख का? अगला देखिए, यदि आपका पेट भर गया कितना स्वादिष्ट क्यों ना हो, उसी पदार्थ का जरा सा और ले लो। तो कभी कभी लोग कहते हैं, भैया देखो पेट पर मल दो तो अच्छा है, लेकिन पेट के अंदर मत डालो इसे, अब जगह नहीं रही, अब वो स्वाद नहीं रहा। तो स्वाद किसमें थी, भोजन में? नहीं नहीं, भूख अपने में स्वाद थी, खाने की जो शक्ति थी उस शक्ति में स्वाद थी, खाने की शक्ति खाते खाते क्षण हो गई, अब स्वाद नहीं रहा। हर एक स्थिति में यही आपको दिखाई देगा। आपने एक वस्तु की कामना की और कामना में वो वस्तु मिल गई तो कामना की तृप्ति में स्वाद मिला, वस्तु तो माध्यम बन गई। यदि आपको झूठा पता चल जाए कि वो वस्तु मिल गई तब भी आपको तृप्ति हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है आपको झूठा केवल आपको तृप्त करने के लिए ये बात कर दी जाती है, हाँ वो तो तुम्हारी हो गई, वो अपने आप में तृप्त हो जाता है, चाहे बाद में उसे पता चल जाए कि हमारे साथ धोखा हुआ। तो तृप्ति किसमें है, अगला सोचो। ये जो तृप्ति का रास्ता है और तृप्ति का माध्यम है और तृप्ति का हेतु है, ये तीनों पर जब आप विचार करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो तृप्ति अंदर से है, बाहर से नहीं है। लेकिन इस रास्ते को सब नहीं जानते, अब सब नहीं जानते इसलिए सब सुखी भी नहीं होते। लोग अपने सुख को पदार्थों पर आरोपित करके, जैसे कुत्ते के लिए कहा गया कि कुत्ता अपने रक्त को हड्डी के आरोपित करके, हड्डी में आरोपित करके हड्डी के माध्यम से चाटता है, ऐसे ही हर एक व्यक्ति अपनी ही शक्ति को, अपने ही सुख को अंदर में जो है बाह्य पदार्थों के ऊपर स्थापित करके उसको ग्रहण करता है, है उसके अंदर मेंटल सेटिस्फेक्शन कहते हैं, ईगो सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन, ये सब क्या है, ये अंदर एक बार है। वेल्थ सेटिस्फेक्शन कहीं सुना आपने? वेल्थ सेटिस्फेक्शन तो हुआ ही नहीं किसी का। वेद में एक मंत्र है जिसमें बताया गया है कि दुनिया में कभी भी कोई भी संपत्ति से तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि ना वित्ते ना तर्पणियो मनुष्य, क्या था इसका वेद का, ना वित्ते ना तर्पणियो मनुष्य, वित्त के द्वारा संपत्ति के द्वारा कभी मनुष्य तृप्त नहीं हुआ। तृप्त किसके द्वारा होता है, आत्मतुष्टि, मेंटल सेटिस्फेक्शन, ईगो सेटिस्फेक्शन, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन, सेंसुअल सेटिस्फेक्शन, फिजिकल सेटिस्फेक्शन, ये सब अपने से ही संबंधित है। जहां जहां आपका, आपकी चेतना है, यदि चेतना शरीर तक है तो फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिल गया, और चेतना शरीर तक नहीं है इंद्रियों में तो सेंसुअल सेटिस्फेक्शन मिल गया, अब इंद्रियों की भी जरूरत नहीं है तो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल गया, यहां से ऊपर उठ गए तो ईगो सेटिस्फेक्शन मिल गया आपको, और यहां से ऊपर उठे तब आपको इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन मिल गया, उसके डिस्क्रिप्शन से ही आप आनंदित हो गए, और उससे भी ऊपर चले गए जब अपने में ही सुख होने लगा तो उसको कहते हैं स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन। अब ये जो आत्मिक सुख है, आत्मिक सुख, बौद्धिक सुख, अहमजन्य सुख, मानसिक सुख, ऐन्द्रिक सुख, शारीरिक सुख, ये सुख के भेद है भिन्न भिन्न स्तर, और इन सारे सुखों में, अनेक प्रकार के सुखों में जो सुख कार्य कर रहा है वो आत्मिक सुख ही है। आत्मा से ही पदार्थ की वैल्यू है,
एग्जिस्टेंस है, आत्मा से ही शरीर की वैल्यू है, आत्मा से ही इंद्रियों की वैल्यू है, आत्मा से ही मन की, अहम की, बुद्धि की, सबकी कीमत तो आत्मा से ही है ना, केवल किसी से? अच्छा, सब के सब ज्यों के त्यों बने रहे और आत्मा राम कहे भैया मैं तो चला, फिर क्या होगा? दुनिया का सारा वैभव ज्यों का त्यों बना रहे, शरीर बड़ा सुंदर स्वस्थ रहे और आत्मा राम कहे कि मैं तो जा रहा हूं इसमें, फिर क्या होगा? फिर कोई संतुष्टि देगा? नहीं देगा। तो संतुष्टि, तृप्ति, सुख सब आत्मा से ही है, विश्राम भी आत्मा से ही है, लेकिन हम इससे अनभिज्ञ। और योगी जिसने साधना की है, सत्य को समझा है, वो इस रस को जान गया, वो जान गया कि वही सुख तो अपने अंदर से मिल रहा है और सबको अपने अंदर से सुख मिल रहा है। कभी कभी हम अपने स्वरूप को संवार करके जब शीशे में देखते हैं तो बहुत सुखी होते हैं, और बाय गॉड कहता हूं कि इतना सुख तो शायद दुनिया के किसी भी सुंदर से सुंदर व्यक्ति को देखने पर भी नहीं मिलता होगा, जितना सुख संवरे हुए अपने शरीर को देखकर मिलता है कि नहीं? हाँ? दुनिया के जो सबसे बड़े सुखी लोग हैं या सुंदर लोग हैं, किसी की सुंदरता आपको उतना सुख नहीं देती जितना कि आपको शीशे में अपनी शक्ल देख करके सुख मिलता है। तो ये सोचने की बात है कि आपकी चेतना कहाँ काम कर रही है, शरीर में है, इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है, जहां है वहीं आपको सुखी बना रही, तो सुख अपने से, बात केवल इतनी करनी है। लेकिन सब जानते नहीं, भ्रम में पड़े, सोचते हैं दूसरे सुख मिलता है, स्त्री सोचती पुरुष देख रहा सुख दे रहा, पुरुष सोचता है स्त्री सुख दे रही, बच्चा सोचता है बाप सुख दे रहा, बाप सोचता है बच्चा सुख दे रहा, यानी लोभी सोचता है धन सुख दे रहा, सब एक एक के नाते सुखी हो रहे हैं। और बात यह है नहीं, बात केवल इतनी है, आत्म कामाय इदम सर्वम प्रियम भवती वे। मैत्रेयी को समझाते हुए जागवल कहते हैं देवी दुनिया में जितनी प्रियता है, जितना राज है, जितना सुख है, जितना आनंद है, वो सब आत्मा के नाते। आत्मा यदि नहीं है तो कुछ नहीं है, आत्मा के नाते सबकी स्थिति है। यदि इस रहस्य को आप जान जाएंगे तो क्या होगा? आप भी यो अंतर सुखो अंतर आराम तथा अंतर ज्योति, इसी आनंद को आप भी लेंगे, इसी सुख को आप भी लेंगे, अपने आप यह सुख मिलने लगेगा। फिर आप देखेंगे बाहर का पदार्थ केवल मीडिया मात्र है, माध्यम मात्र है, सुख तो अपने में, सुख तो अंदर से, और आपके ही अंदर सुख नहीं, सबके अंदर सुख है। सब अपने अपने अंदर के सुख का अनुभव करने लगे तो सभी आत्मानंद में विभोर हो जाए, फिर वहां कोई किसी की गुलामी करे ही नहीं, कोई किसी की गुलामी न करे, फिर क्या करेगा? क्योंकि जब आत्मानंद में रमण करने लगेंगे तो आत्मा में जहां पहुंचे तहां तो द्वैत मिट जाएगा। द्वैत कब तक है? जब तक शरीर में, अहम में, मन में, इंद्रियों में, तभी तक द्वैत है। तो जहां आप आत्मा में पहुंचे वही द्वैत मिटा, और जब द्वैत मिटेगा तो आप सबको अपनी आत्मा समझेंगे। गीता के 6th अध्याय भगवान बताएं कि सबसे श्रेष्ठतम योगी कौन है। भगवान कहते हैं आत्मोपमेन सर्वत्र यदा पश्यत सोर्जुन, जब आत्मोपमेन सर्वत्र आत्मा के समान ही सर्वत्र सबको देखता है, सबकी आत्मा जब उसकी आत्मा जब सबकी आत्मा अनुभव होने लगती है, भगवान कहते हैं सहयोगी परमो मता, वो परम योगी है मेरे मत, वही उच्चतम स्तर पर पहुंचा हुआ है। तो इस स्थिति को पहुंच जाओगे क्रम से धीरे धीरे चिंतन के द्वारा, तो भगवान कहते हैं कि यो अंतर सुखो अंतर आराम तथा अंतर ज्योति, अंतर की ज्योति का प्रकाश हो जाए, बाहर चाहे अंधेरे रहे। मीरा कहती है कि उलट भई मेरे नयनन की, अब मेरे नयन बाहर नहीं देखते अंदर देखते। कबीर क्या कहते हैं
जाते हैं कि बस अब हमें रुचि ही नहीं है बाहर देखने की, अब तो हम अंदर ही देखते हैं और अंदर ही अपने यानी प्रियतम के साथ आमोद प्रमोद करते हैं। कबीर का